यूके राइडर को मुनावर से क्या दिक्कत है भैया? मतलब जो बंदा बोल रहा है कि भैया सलमान खान मेरे बारे में ऐसी चीजें क्यों बोल रहे हैं, मेरे ब्रो सेना को टारगेट क्यों कर रहे हैं, बाहर की बातें क्यों कर रहे हैं। अरे भैया जब तुम बाहर की बातें कर रहे हो तो ये सब क्या है? मतलब अभी जो यूके राइडर ने बोला ना कि मुनावर की जो गर्लफ्रेंड है वो नाबालिग है, ये बात बिल्कुल उसने गलत बोली है गाइस। बिल्कुल हम उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन जो गलत चीजें हैं वो क्यों बोल रहा है? और मनारा को ये चीज बोलता नजर आ रहा है कि भैया इसकी गर्लफ्रेंड है वो नाबालिग है, मतलब वो नाबालिग नहीं है। और मुनावर है वो जब लोकअप के सीजन में भी उस लड़की को डेट कर रहा था जो कि ओमान से है, इंडियन है, उसकी डेट ऑफ बर्थ करीब 2002 की है, मतलब आप सोच सकते हैं कितने साल की वो होगी। तो ये चीजें है कहीं ना कहीं यूके राइडर फैला रहा है जो कि बिल्कुल गलत है, और इसके खिलाफ हम भी हैं। और कहीं ना कहीं जो सलमान खान को बोलते हैं कि भैया आप हमें क्यों टारगेट कर रहे हो, बाहर की बातें क्यों कर रहे हो, मैं अंदर हूं मेरे पे बातें करो, तो जब आप पे टारगेट किया जाता है आपको चिढ़ मच जाती है, लेकिन आप जब दूसरों को कर रहे हो वो भी गलत गलत बातें बोलकर, तब आपको क्यों नहीं दिखता? तो ये चीज कहीं ना कहीं आप गाइस बताइए कि कैसी सही है या फिर नहीं है। अच्छा, मनारा को यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। आज का रिव्यू करते हैं पूरा कि आज का एपिसोड कैसा रहा है। वैसे ठीक ठाक सा एपिसोड, कल जैसा नहीं था, आज काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें हुई है। और ऐसे में आपको बताऊं तो कल का प्रोमो भी निकल के सामने आ चुका है जिसमें कि विक्की है वो भैया स्पेशल ट्रीटमेंट लिखा के आए हैं, कॉन्ट्रैक्ट में स्पेशल ट्रीटमेंट लेके आए कि भैया मैं दाढ़ी वाड़ी कटिंग वटिंग करवाऊंगा, जिस पर सभी घर वाले चिढ़ जाते हैं। पहले तो तहलका वो तहलका मजा देता है कि भैया कॉन्ट्रैक्ट में है, हमारे क्यों नहीं है, हमारा भी करो। उसके बाद मनारा बोलती है भैया मुझे अपने बाल है वो कलर करने हैं, ये सब हमें ट्रीटमेंट दो वरना सब कुछ बायसनेस है। और उसके बाद बिग बॉस सबको बुला लेते हैं और विक्की भैया को बोलते हैं कि जो आज तक तुम्हारी सर्विस थी हमने पहले ही बोला था कि ये तुम्हारे खिलाफ जा सकती है, तो फिलहाल के लिए कैंसिल है, जब तक सभी घर वाले सहमत नहीं होते तब तक आपको कोई भी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। तो कल के एपिसोड में ये मिलेगा। और इसके साथ अरबाज सुहेल खान आने वाले हैं इंडिया की टी शर्ट पहन के। सलमान खान ने भी आज बोला है कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाए, और हम भी आपसे बोलते हैं कि भैया फुल सपोर्ट करो यार, कल फाइनल है। और यार बहुत ज्यादा दिल धक धक कर रहा है, आपका भी कर रहा होगा ना, कमेंट बॉक्स में बताएं। अच्छा, आज का रिव्यू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहां से होती है, लेकिन यहां पर मनारा को क्या हो गया है भैया? मनारा ने जैसे सुना भाभी भाभी देख लेगी, भाभी देख लेगी, भैया लड़की को कुछ हो ही गया। हालांकि मुनावर ने पहले बताया था कि मेरी गर्लफ्रेंड भी है, मेरा बच्चा भी है, मुझे डिवोर्स हो चुका है। इसके बाद भी मनारा को अब तकलीफ होती हुई दिखाई दे रही थी। क्या चल रहा है भैया मनारा के दिल में, क्या हो रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए गाइज, आज आपको बताऊं तो ईशा और समर्थ की लास्ट में जो कन्वर्सेशन हुई है वो कहीं ना कहीं जो समर्थ ने किया है कि भैया जाकर विक्की के पास की मुझे राय दो कि हमारे बीच जो चल रहा है अभिषेक जो भी ईशा हो रहा है ये क्या है। विक्की भैया देते हैं राय और कहते हैं कि भैया अभिषेक के पास जाती है अभी भी वो ऐसी है, तुम्हें स्टैंड लेना चाहिए, तुम्हें एक्शन लेना चाहिए। और यही बात जाकर अभिषेक को वो बोलता है समर्थ कि ये सब गेम खेल रहे हैं विक्की भैया। अरे भैया सबको पता है वो गेम खेल रहे हैं, फिर तुम्हें बताने की जरूरत क्या है, तुम कहीं ना कहीं नया गेम क्रिएट कर रहे हो। फिर दोनों को खड़ा करके ईशा को भी बताता है, हालांकि ईशा को प्रॉब्लम हो जाती है कि तुम कैसे सुन के आ सकते हो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बुराई। रात को यही डिस्कशन हो रही थी एंड में, तो यहां पर समर्थ समझाने की कोशिश कर रहा है, बोल नहीं पा रहा है कि भैया मैं गेम खेल रहा हूं, मैं कहीं ना कहीं कुछ चीजें क्रिएट कर रहा हूं जिससे कि हंगामा हो। लेकिन भैया मुझे तो दिमाग उनका खराब लगता है कि भैया अपनी गर्लफ्रेंड को बीच में क्यों लाना है, ये कैसा गेम है, पहले तो उसी गेम में तुम फंसे हुए हो। और ये चीजें है कहीं ना कहीं ईशा को बुरी लग रही थी। अब इस पर आप क्या बोलेंगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अच्छा, स्टार्टिंग में थोड़ा 54 रन्स वाला हुआ था कि 54 बार आप चूल्हा जला पाएंगे, किचन खुलेगा और अपना खाना अगले हफ्ते पका पाओगे, तो ये कहीं ना कहीं मैच खेल के थोड़ा कहीं ना कहीं इंडियन टीम को सपोर्ट के लिए ये टास्क करवाएगा, जो मुझे बहुत प्यारा लगा, मुझे अच्छा लगा। सलमान खान ने भी बैटिंग की है। और ईशा जो खानजादी का कंपटीशन हुआ जिसमें ईशा जीतती है, खानजादी रोने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि मैं कमजोर हूं, मैं खेल नहीं पा रही हूं। वहीं पे पहुंच जाती है अंकिता, चुप कराती है कि देखो मैं भी ऐसे थी, मैं मुझे भी ऐसा लगता था, मतलब बहुत सारी चीजें वो बोलती है। तो ये चीजें होती है। इसके बाद फर्रे की जब टीम आती है, एमसी स्टैन आते हैं, तो एमसी स्टैन बोलते हैं कि भैया मुझे तो मुनावर विनर बन लग रहे हैं। और कहीं ना कहीं यूके राइडर को वो नसीहत देते हैं कि यार हमारे स्कूल में भी तो ये सब होता था। हाँ, तुम्हारे अच्छे के लिए बोला जा रहा है, बाहर ये सब तुम्हें कोई नहीं बोलेगा, तुम्हारे यहाँ अच्छे के लिए बोला जा रहा है, मैं भी कहीं ना कहीं मुझे भी बोला गया। तो कहीं ना कहीं यूके राइडर को वो समझाते हुए दिखाई दे रहे थे।
आप सोच सकते हैं जो लड़का पिछले सीजन आया था बोल नहीं पा रहा था, अब की बार उनका कॉन्फिडेंस कितना देख रहे हो, यानी एमसी स्टैंड का। तो ये चीजें हो जाती है यार, जब ट्रॉफी हाथ में दोगे तो हो जाती है। तो उन्होंने मुन्नावर को विनर माना है कि मेरी नजर में विनावर है वो विनर बन जाएगा, मुन्नवर मुन्नवर ऐसा कुछ था ना, मुन्नवर बोलते हैं उसको, तो कहीं ना कहीं वो विनर बन जाएंगे। अच्छा, जब कैंसल और रिजेक्ट का जो भी टास्क होता है उसमें कहीं ना कहीं लड़कियां हैं वो रिजेक्ट करती हैं, और ईशा ने तो भैया समर्थ को एक्सेप्ट करना ही था, वहीं पर मनारा है वो मुन्ना को एक्सेप्ट करती है। हालांकि अब देखना होगा कि मनारा को ये जो कहीं ना कहीं दिल पे जो लगी है बात, सभी ने बोला बाहर भाभी देख रही है, तो ये कहीं ना कहीं कितना हर्ट करती है और आगे इनके बीच क्या होता देखना भी जरूर इंटरेस्टिंग होगा। इसके साथ गाइज कहीं ना कहीं अनुराग है वो मुन्नावर को बुलाते हैं और बोलते हैं कि भैया मैं इनको रिजेक्ट करता हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीजें हैं वो गलत कर रहे हैं कि गेम नहीं खेलता है, लड़कियों वड़कियों का कुछ रीजन दिया था। और इसके साथ साथ आपको बताऊं तो यहाँ पर मुन्नावर ने कुछ शायरी बोली थी जिसके चलते अनुराग पर भी वो भारी पड़ गया था। तो आज का एपिसोड गाइस आपको कैसा लगा है, बहुत सारा हल्ला वल्ला हुआ है, बहुत सारे टास्क मतलब हुए हैं छोटे मोटे की रिजेक्ट विजेक्ट जो भी है, कैंसल वैंसल ये चीजें हुई है जो कि थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लाई है एक दूसरे पर, मतलब वार किए गए। तो ये एपिसोड आज के एपिसोड में रहा है, लेकिन मेन था वो मैंने आपको बता दिया है। आप बताइए आज के एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगा है, और आप अनुराग की बातों पर क्या कहेंगे कि अनुराग जो इस वक्त कर रहे हैं मुन्नावर को लेकर वो कितना सही और कितना गलत है। विक्की तो चलो गेम खेल ही रहा है, वो कहीं ना कहीं कभी इधर जाके किसी को बोल देता है, कभी इधर जाके किसी को बोल देता है ताकि आपस में झड़प करवा सके। वो कहीं ना कहीं विक्की मुन्नावर को भी बोल रहा था कि अभिषेक है वो अच्छे से नहीं खेल पा रहा है, और खानजादी और अभिषेक के भी थोड़ा सा हुआ था किस्सा। खानजादी तो बिल्कुल इग्नोर कर चुकी है, बिल्कुल साइड कर चुकी है अभिषेक को, अब देखना होगा कि क्या होता है क्योंकि हर दिन कुछ नई चीजें आती है। अब गाइज कल के एपिसोड में मिलते हैं, और बेस्ट विशेज है इंडियन टीम के लिए, आप भी जरूर कमेंट बॉक्स में बेस्ट विशेज दीजिएगा क्योंकि कहीं ना कहीं कल वर्ल्ड कप का फाइनल रहने वाला है और पूरा देश चाहता है कि इस बार ट्रॉफी यानी आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी हमारे घर आए, इंडिया में आए, इंडिया में हो रहा है तो इंडिया में ही रह जाए। क्या बोलेंगे इस पर बेस्ट विशेज जरूर बोलिएगा, ऑल द बेस्ट जरूर बोलिएगा। इसके साथ कल मिलते हैं और आपको बताते हैं रैंकिंग कौन कितने नंबर पे रहा है, पांचवे वीक में 17 के 17 कंटेस्टेंट की बताएंगे, और इसके साथ गाइज हम आपको बताएंगे कौन कौन से कंटेस्टेंट वाइल्ड कार्ड में आने वाले हैं, 5 घर से बाहर होने वाले हैं, 5 नए आएंगे 5 जाएंगे, कौन कौन जाएंगे हम आपको जरूर बताएंगे, बस आपने थोड़ा सा वेट करना है, नया वीडियो लेके आते हैं।